इन दिनों नगर निगम कार्यालय के पीछे नहर कवरिंग का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला निरीक्षण को पहुंचे। वहीं निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नगर आयुक्त और लोनीवी के अधिकारियों के बीच हल्की बहस हो गई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि बहस की वजह सड़क में पानी के ड्रेनेज सिस्टम और घरों से निकल रहे पानी की निकासी को लेकर थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस प्लान नहीं बताया गया। वहीं लोनीवी के अधिकारियों का कहना है कि काम पूरे नियमों के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये तो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था, इसमें प्रीकास्ट स्लैब रखे जाने हैं, उसी के तहत हमके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई जो थोड़ा अनइक्वलेंस है उसको ठीक किया जाएगा विभाग द्वारा। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, एज पर प्री एस्टिमेट के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये सिंचाई विभाग द्वारा नहर की कवरिंग का काम लगभग समाप्त हो चुका है। नहर कवरिंग के बाद जो लोक निर्माण विभाग का दायित्व है वो सड़क का चौड़ीकरण है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो है पानी के ड्रेन ऑफ के लिए, तो उसको लेकर के स्थानीय लोगों की भी काफ़ी इसमें शंका थी कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर आता है, इसका निराकरण कैसे होगा। तो स्थानीय स्टेक होल्डरों के साथ और विभागीय स्टेक होल्डरों के साथ एक 10 तारीख को मीटिंग हुई थी माननीय मेयर साहब की अध्यक्षता में। उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया था कि MNA साहब की अध्यक्षता में हम सारे एक्शन PWD इरीगेशन जल संस्थान UPCL और SDM साहब और सिटी मजिस्ट्रेट मैडम सभी लोग इसका विजिट करेंगे और इसमें एक सोल्यूशन निकालेंगे कि ड्रेन को हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ को ले जाना है। तो आज उसी का ये यहाँ पर सर्वेक्षण हो रहा है और इसमें जो भी राय मिल जाएगी अध्यक्ष की ओर से और कमेटी की ओर से, तो उस पर हम लोग आगे काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, कार्यकाल तो 2 तारीख को 5 बजे ख़त्म होगा, तब तक मैं वर्किंग में हूँ और जो भी समस्याएं आएंगी उनको देखूंगा। और जहाँ तक ये रोड की बात है, इसमें कुछ एनोमलीज आ रही हैं, कुछ लोगों की शिकायतें आ रही है, नाली को लेकर शिकायत है, कहीं पे लो लाइंग एरिया हो गई, उसमें बहस नहीं है। सड़क को सही तरीके से बनाने, ड्रेन को सही तरीके से बनाने में कई विचार आ रहे थे, उसमें किसी विचार को एकाएक बिना किसी तर्कपूर्ण तरीके से उस पर डिस्कशन किए हुए अस्वीकार करने पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हमने कहा भाई 1, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, जितने विकल्प आ रहे हैं सबको रखा जाए, सब पर विचार किया जाए और बेहतर विचार जो विकल्प आता है उस पर काम करना है। मुख्य मुद्दा यह है, सभी विकल्पों में विचार किया जा रहा है, सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं वो भी साथ में हैं। बहस का कोई मुद्दा नहीं है, विचार का मुद्दा। सर, जिस तरह रोडों के बीच में पूरी स्ट्रेप गली पड़ी है, हाँ ये देख रहे हैं, यही तो बात है, यही सब चीज़ें देखी जा रही हैं कि स्मूथ रोड कैसे बने, ड्रेन सही तरीके से कैसे बने, गली मोहल्लों का पानी कैसे सही तरीके से निकल जाए, घरों में जो लोग पानी ला रहे हैं उनका पानी कैसे निकल जाए, जो बरसात का पानी आता है।